रूपा जी, देख रहे हैं यहीं से कि कैसे सीड के दिसंबर वायदा आज भी 6400 के लेवल्स पर कारोबार करता नजर आ रहा है। रूपा जी, 6500 के ऊपर भी निकला था बीच में अभी दो दिन पहले कैसे सीड का वायदा बाजार, लेकिन वहां पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली। आपको क्या लगता है, क्या आगे भी कैसे सीड का वायदा बाजार ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा? अखिलेश देखिए, कैस्टर्ड में जो बाजार है वो एक रेंज में फंस चुका है और जब बाउंस बैक आता है तो वहीं पर जाके सिमट जाता है। और अभी हम लंबे टाइम से देख रहे हैं 6400 के बाद 6600 तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। अब जो ये लेवल आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो यही है कि जब तक 6600 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी नहीं आती, एक से दो ट्रेडिंग सेशन हम इसको क्लोजिंग नहीं देख लेते, तब तक इसमें टेक्निकली बूस्टअप आता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट डिमांड्स अच्छे खासे पिकअप हुए थे, जिसकी वजह से बाजारों में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन बाजार अभी बहुत ज्यादा चल नहीं पाया है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सुस्ती के साथ ही कारोबार रहेगा इसके अंदर। दिसंबर वायदा में तो अभी फिलहाल कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बाजार ऊपर जाएंगे बहुत ज्यादा, वही रेंज रह सकती है 6600 ऊपर में और नीचे में 6300। लेकिन जनवरी वायदा में जब तक 6600 के ऊपर नहीं टिकता मार्केट, तब तक इसमें तेजी नहीं बन रही है। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो वापस आपको 6800 तक एक बार बाजार जाएगा, और एक बार अगर इसने 6600 के ऊपर के रैली पकड़ ली तो 6800 से 7000 के स्तर भी संभव है देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे में 6300-6200 की रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जनवरी वायदा में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डिप आने पर उसमें एक बार खरीदारी करे और 6600 के ऊपर सस्टेन करे तो वापस इसमें बाइंग और बनाई जा सकती है, जिससे वापस 6800-7000 के स्तर संभव है। लेकिन हाल फिलहाल में सुस्ती के साथ कारोबार है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच, जब बाजार नीचे जाए तब इसमें बाइंग की तरफ आना चाहिए। जी, यानी कि ऊपरी स्तरों देखने के लिए ऊपरी स्तर पर सस्टेन होना भी जरूरी है, तभी कैसर में और एक अच्छी तेजी देखने को मिल पाएगी, अदरवाइज नीचे में 6200-6300 तक भी बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है।